नमस्ते प्रभु रघुनाथ। एठी भगवान श्रीरामंकर आद्य वंदना करिचंती भक्त रामदास। श्रीरामंकर कथा गाथा को ए आनंद सभार प्रसंगरे रामदास व्यक्त करिया को जाउचंती। तेणु कहिले प्रभु हे कौशल्या नंदन हे कांड कोदंड धर तुम पादरे ये विप्र रामदास अशेष प्रणति। प्रभु तुम्हें जी मु सीए तुम्हें श्रीराम रघुकुला तिलक राघवेंद्र सरकार पुरुष उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम आपणकर दासरु दास राम तेणु तुम्हें श्रीराम आम राम तुम्हें प्रभु मुणकर दास जिते अवतार जदि आम उपनिषद देखा 108 अवतार भागवत कहले 24 अवतार जयदेव गोस्वामी कहले 10 अवतार दस अवतार भितर सप्तम अवतार को रामावतार को पवित्र अवतार बोली कह जाए राम को मर्यादा पुरुष बोली कह जाए जी राम पाखरे तंभु सुता मुक्ति मुदार हासम वंदे जतो भव्य भव दयाश्री जी रावण पुरी सीता उद्धार करी नारी को किभली भाव समाज रे प्रतिष्ठित करा जाए सम्मान दिया जाए तार उदाहरण आम विश्ववासी को दे देथिले आउ भव्य भव दयाश्री जहां पाखरे दया अछि एवं जहां पाखरे सौंदर्य मध्य अछि सौंदर्य एवं दयार समन्वय विग्रह श्रीराम भव्य भव भव्य कहिले पवित्र भव कहिले अवतार सुतरां रामावतार को पवित्र अवतार बोली कहा जाए। रामदास पाखरे आज जो भाव आसी श्रीरामंकर गाथा को लेखिबापाई व्यक्त करिबापाई निशब्दरु भगवान कर निशब्द लीला को शब्द रे वर्णना करिवार प्रयास रखी रामदास आरंभ करिचंती। चैतन्य महाज्ञाता ज्ञाता कहले जहाँ को बहुत किछि जणा चैतन्य को बहुत किसी जना से महाज्ञाता तेणु चैतन्य आज कहते विष्णु भक्त महिमा तो अपारु अपार आज आउ जे विष्णु भक्त प्रभु भक्त कथा को सी आज वर्णना कर दर्शक बंधु आपण यही भक्ति गीतिका मध्यम अनेक भक्त चरित्र तो आगु शुणी कि आज आप जो आनंद सबर संवाद शुणे आज रामदास चरित्र को जो भक्त को आखिया को नहीं आसल सी होती जातिर शबर ता घर कौटी ना तलमाल ग्राम ना को प्रकाश करना तलमाल कहले गोटे शिक्षा सभ्यता आ पाखर टी दूर गोटे अंधारी मूलक भली अंचल से जगार तर घर से होती परम पातकी शबर जहाँ पाखरे दैवी चेतना ऐश्वर्य चेतना जहाँ पाखरे नथिला से दिव्य स्पर्श से पाइन से होचंदी से सबर। दर्शक बंधु साधारण भाव आप बुझते सबर माने कौटी रुहति घंच जंगल रे आउ आनंद सबर मध्य से घंच जंगल भीतर रुहे कोल रे संतान संतति बा पुत्र एवं कन्या केही नहांती पति एवं पत्नी दुई जन विराट जनशून्य जंगल तार भीतर छोटिया कुड़ियाटी से कुड़िया भीतर पति पत्नी तेल लुणर छोटिया संसार चलती केमती ना अठा काठी फास वर्तमान से सब देखा जाऊना किंतु सबर माने ए अठा काठी गोटे फास जहाँ को कि से खास करी चढ़ई मान को पक्षी मान को धरवापी एसबू रखी था आउ धनुषर पाखरे थाए बर्छा ढाल ये सब अस्त्रशस्त्र से पाखे मिले ये धनुषर कौन करती ना सर मारी से दूर रू पशु शिकार करती यू से करती विशेषकर से जो अठा काठी फास याकु से व्यवहार करी पक्षी की धरती पक्षी की मारवा हूँ कौलिक वृत्ति तेणु ये सब हिसाब से समयटा को कटाते एमती जीव को मारी मारी चलती किंतु
आगको कौन होउछि आनंदा सबरंग कथा तो रामदास लेखि सारिछन्ति। ये पुणी जड़े पक्षी शिकारी ये केमिति भक्त हबो ता भक्ति केमिति जाग्रत हबो।